हेलो गाइस, वेलकम टू प्रियागर किचन। सर्दी आने वाली है, सर्दियों में चटपटा मिक्स का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। आज हम डालेंगे गोभी, गाजर, मूली, मिर्च का चटपटा अचार। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज हम मिक्स अचार बनाना शुरू करते हैं। मैंने गोभी, गाजर, मूली या मिर्च ले ली है। इन सबको मैंने अच्छे से छील के और वॉश कर लिया है। अचार डालते समय हमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि सब्जियां हमेशा कट करने से पहले ही हम वॉश कर लें। हमें वेजिटेबल्स कट करने के बाद उन्हें वॉश नहीं करना है, इसलिए मैंने इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। देन इसका पानी भी अच्छे से सुखा लिया है। इन्हें कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले अपनी गाजर को कट कर लेंगे। सो अपनी सारी गाजर इसी तरीके से कट कर लेते हैं। टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, देन अगेन टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। सो हमने इन्हें फोर पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसका ये एक्स्ट्रा पार्ट हटा देंगे इस तरीके से। देन इसे फिर से टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, देन कट करके फोर पीसेस में कर देंगे। सो हमारी गाजर कट हो चुकी हैं। अपनी मूली को कट कर लेंगे, इसे भी फोर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फिर से टू पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, देन कट कर लेंगे। सो देखिए, हमने अपनी गाजर और मूली कट कर लिए हैं। अपनी गोभी को हम छोटे छोटे पार्ट्स में पहले ही कट कर चुके हैं। देखिए हमने इन्हें कितने छोटे पार्ट्स में कट कर लिया है। अपनी मिर्च को और कट कर लेंगे। मिर्च लेंगे, अपनी मिर्च को फोर पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए, हमने अपनी मिर्च को फोर पार्ट में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि हमने मोटी मिर्च ली है। अगर आपके पास इतनी मोटी मिर्च नहीं है, मीडियम साइज की मिर्च है, तो उसे टू पार्ट में डिवाइड कर लें। अपनी सारी मिर्च को हम फोर पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए, हमने अपनी मिर्च को भी कट कर लिया है। हमने अपनी सारी वेजिटेबल्स को कट करके इसे धूप में रख दिया है। एक दिन के लिए हम इसे धूप लगाएंगे, देन अपना नेक्स्ट डे अपना अचार डालना शुरू करेंगे। सो हमारी वेजिटेबल्स को धूप लगा हुए पूरा एक दिन हो चुका है। अपना अचार डालना हम शुरू करेंगे। हमने एक छोटी परात ले ली है। सबसे पहले अपनी गाजर ऐड कर देते हैं, देन अपनी मूली, देन अपनी गोभी, देन लास्ट में अपनी मिर्च ऐड कर देंगे। इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, देन अपने मसाले डाल के अपना अचार डालना हम शुरू करेंगे। टू टेबलस्पून अपना नमक ऐड कर देंगे। अपना टू टेबलस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। वन टेबलस्पून अपनी हल्दी ऐड कर देते हैं। टू टेबलस्पून अपनी सौंफ ऐड कर देंगे। सौंफ को मैंने बारीक पीस लिया है मिक्सर ग्राइंडर में। टू टेबलस्पून अपनी सौंफ भी ऐड कर दी है। टू टेबलस्पून अपनी राई ऐड कर दी है। राई को मैंने मिक्सर में बारीक पीस लिया है। हमें इसमें सरसों ऐड नहीं करना है, पतली वाली राई इस्तेमाल करनी है। डेढ़ टेबलस्पून अपना मिर्च ऐड कर देंगे। ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको चटपटा खाना कम पसंद है तो मिर्च की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये हमने सरसों का तेल ले लिया है। सरसों का तेल हमें कच्चा ही इस्तेमाल करना है, गर्म करके इस्तेमाल नहीं करना है। तीन बड़े चम्मच अपने सरसों का तेल ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले और तेल हमारी वेजिटेबल्स में लग जाएं। स्पून की हेल्प से कर देंगे, आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आपको तेल अपना कम लगे तो हाफ टेबल स्पून तेल और ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से इसमें मिक्स हो रहा है। सो ये देखिए, हमारे मसाले अचार में कितने अच्छे से मिक्स हुए हैं। इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। इसे बोट में रख देंगे, ये 5 दिन में खाने के लिए एकदम रेडी हो जाएगा। देखिए गाइस, हमारा मिक्स अचार बनके एकदम रेडी है। इस सर्दियों में खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको ये मिक्स अचार कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।